दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपने वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र में करेक्शन किया था, सुधार किया था, तो किस तरह आप चेक कर पाएंगे सुधार हो गया है आपका या नहीं हुआ है। अगर सुधार हो गया तो न्यू जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर क्या नाम आएगा वो भी आप देख पाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका, आप चेक कर पाएंगे कि आपका नाम सही हो गया और क्या आपका नाम नेट पे इंटरनेट पे सही शो कर रहा है या ना कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, कुछ जो आपके काम की वीडियो होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, मैंने यहाँ पे एक सीरीज यानी कि एक कोर्स स्टार्ट किया, जो कि कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, जो कि 30 दिन के लेगा, जिस पे आप सीख पाएंगे बिल्कुल शुरू से लेकर वर्डप्रेस पे किस तरह वेबसाइट बनाते हैं, सभी तरह की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट हो या किसी प्रकार का, सभी तरह की वेबसाइट आपको बनाना हम सिखाएंगे बिल्कुल फ्री में, जो कि 30 दिन का होगा। यहाँ पे कोर्स 1 कोर्स 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सबको आप देख लीजिएगा। और पर डे आपको एक वीडियो इस कोर्स के माध्यम से मिलता रहेगा इस कोर्स में। ठीक है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी मिलते रहेगी, जैसे जीविका का डिटेल निकाले, मेम्बर का नाम वगैरह, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिला है, कब मिला है, कि कौन सा फोटो उन्होंने दिया था, सारा चीज़ आप इस वीडियो की मदद से, यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं ये बताया था मैंने, पैन कार्ड कैसे सुधार कर सकते हैं, बहुत सारी मैंने आपको वीडियो बना दिया था आपके लिए। तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे बातें, जो कि वोटर आई डी कार्ड आपने सुधार किया होगा तो NVSP.in जो कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने अप्लाई किया होगा, अपना वोटर आईडी कार्ड करेक्शन किया होगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमने जो अप्लाई किया था उसका स्टेटस। उसके लिए यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इंटर रेफरेंस नंबर, आपको रेफरेंस नंबर दिया गया होगा और आपको SMS भी मिल गया होगा जो नंबर आपने वहाँ पर फिलअप किया था, तो हमें मिल गया था, तो मैं जो फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करता है, जैसे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करें यहाँ पे देखिए हमारा जो अप्लाई किया था मैंने एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे सबमिट मैंने 14 तारीख को किया था, BLO अपॉइंटमेंट 17 तारीख को हो गया था और मेरा एक्सेप्ट यानी कि 22 तारीख को मेरा सुधार हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब सुधार मेरा हो चुका है, अब कौन सा नाम हमारा वोटर आईडी कार्ड पे आया है वो आपको दिखा दे। यहाँ पे भी आपको सही नाम दिखा देगा लेकिन यहाँ पे तुरंत नहीं दिखा देगा, कुछ दिन वेट कीजिएगा तब यहाँ पे सही नाम दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पे पुराना नाम ही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देख पाते मेरा सुधार हो चुका, आप किस तरह चेक कर पाएंगे मेरा नाम वोटर लिस्ट पे क्या आएगा, मतलब इंटरनेट पे क्या चढ़ा हुआ है। मेरा ये जो नाम दिखा रहा है ये सही नाम जो हो गया वो नाम दिखा रहा है, गलत नाम जो पहले दिखा रहा था वो चेंज हो चुका है। इसके लिए आपको वेट कर लेना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए आप चेक करते हैं इंटरनेट पर किस तरह मेरा नाम कौन सा है। ठीक है, उसके लिए फिर से यहीं पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, लॉगिन रजिस्टर पे इस बटन पे क्लिक करेंगे आप। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर देंगे, किसी भी आईडी को लॉगिन कर लेना, ऐसा नहीं है जिस आईडी से आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया तो वही आईडी को ओपन करें, किसी भी आईडी को ओपन कर लेंगे, कैप्चर देंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने का कुछ इस तक इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये जो ऊपर आपको मिल रहा है एक नंबर में, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे आपका जो नाम है वो सही नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैमिली लिस्टिंग एंड अथोराइज इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होगा, फैमिली लिस्टिंग और फैमिली वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, फैमिली लिस्टिंग पे क्लिक करना है। फैमिली लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो ईपिक नंबर वाला बॉक्स है ये आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे आईडी को लॉगिन कर लीजिए या किसी दूसरे नया अकाउंट बना लीजिए, वहां पर आप आइएगा तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपका ईपिक नंबर देना है, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा वो नंबर देना है, उसके बाद ऐड टू फैमिली करना है,
ऐड टू फैमिली करना है। मैं दूसरा वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दिया है, अब यहाँ पे ऐड टू फैमिली करते हैं। जैसे ऐड टू फैमिली करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू नाम, जो भी आपका नया नाम होगा, जो भी नाम सुधार हो चुका होगा, तो यहाँ जो नाम आपका शो कर रहा है, तो ये नाम आपके वोटर लिस्ट पे आएगा। ये यहाँ पे करेक्ट नाम यानी करेक्शन जो किए वो नाम आपको यहाँ पे दिखाएगा। पुराना नाम अगर आपका सुधार हो चुका होगा तो पुराना नाम यहाँ से हट जाएगा, न्यू नाम आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपका नाम, मैंने अपना नाम, पिता का नाम भी चेंजिंग किया था, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मैंने चेंज किया था, वो भी यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे आपका जो, मैंने फ़ोटो भी चेंज किया था कि यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप चेक कर पाएंगे आपका जो सुधार हो गया, अगर हो गया तो कौन नाम सही अभी आपका दिखा रहा है इंटरनेट पे, मतलब इस पे नेशनल वोटर की वेबसाइट पे, तो ये आप मेरा करेक्शन का सही नाम है। तो इस तरह आप सही नाम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐड नहीं करना है, सिंपली से आप इसको क्लोज कर दें, आप चेक कर लें किस तरह, ठीक है। तो यही जानकारी, एक छोटी सी जानकारी था जो कि मैंने आपको सही से समझा पाया होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।